बैरियर फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप तमाम लोगों का मुंबई की आवाज में। मुंबई की आवाज में हम हमेशा ही कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई ना कोई समस्या उठाते हैं जिससे लोगों का सरोकार होता है, जिसे सरकार करने में पीछे हटती रहती है। ये तमाम मुद्दे हम उठाते हैं। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है टैक्स की। जी हाँ, टैक्स की चोरी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार के लिए भी ये एक बड़ा मसला जो है वो बन रहा है। हमारे साथ तमाम आज वो लोग मौजूद है जो टैक्स एम्प्लॉई है, किस तरह से लोग चोरी करते हैं, उन्हें क्या बचना चाहिए, क्या कुछ सुविधाएं जो है वो दी जाती है, तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ राकेश जी मौजूद है। राकेश जी क्या कहेंगे, टैक्स चोरी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है? टैक्स चोरी से आपको डरने की आवश्यकता है जी? टैक्स चोरी वो नहीं जिससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आयकर विभाग से जो आपका जो भय है उसको भय को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य, सरकार ने हमें लक्ष्य दिया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने का, उसमें थोड़ी अभी कमी आ रही है, तो हम इन जनप्रतिनिधि के माध्यम से, इन जनता के सहयोग से और जो हमारे करदाता हैं उनके सहयोग से हम उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है और ये आम नागरिकों के सहयोग से आयोजित की गई है। ये एक अपने आप में एक सुखद अनुभव है और ये अपने आप में दर्शाता है कि अब आम नागरिक के मन में आयकर विभाग से कोई भय नहीं है। वो विभाग के संबंध में साथ में संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो देश के निर्माण में अपना जो भी अंश है वो देना चाहती है और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर विभाग का जो सहयोग मिल सकता है जिसकी हमें अपेक्षा थी उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें यहाँ पर ये जनसमूह देखने को मिला है। और मैं आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई थी, हमारा जो टैक्स बेस बढ़ाने का और जो टैक्स कलेक्शन उसको बढ़ाने का, उन दोनों में हम इस बैठक से जो हमारा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ये भी जानना चाहते हैं कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं और जो लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, यदि वो और सामर्थ्य रखते हैं, उनकी आय जितनी है, विभाग केवल टैक्स वसूलता है जितना आपका देय है, नॉट ए पेनी मोर नॉट ए पेनी लेस। आप अपनी बिजनेस करिए और उन्नति करिए, जितना आप टैक्स दे सकते हैं आप टैक्स पे करिए, जितने आपके सामर्थ्य हो, जितना आपको नियमानुसार जो कानून के हिसाब से आपको टैक्स दायित्व बनता है आप उसको अदा करिए। उसको आपको पोस्टपोन करने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके ऊपर ब्याज लगेगा अनावश्यक, आप समय से पे करिए। 15 मार्च को अभी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट आ रही है, तो जिसको भी एडवांस टैक्स पे करना है मेरा अनुरोध है उनसे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना एडवांस टैक्स पे करें। विभाग टैक्स बेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे SMS, ईमेल और नोटिस जारी कर रहा है, जो हमें सूचना इकट्ठी करी हमने, एक हमारे सेंट्रलाइज प्रिंसिपल CC हमारे श्री DS सक्सेना साहब के नेतृत्व में एक कमेटी उन्होंने बनाई है जिन्होंने कई लाख ईमेल और SMS और लेटर्स भेजे हैं। उसमें जो भी आपके पास में लेटर आ रहा है, जो आपको रिस्पॉन्ड उसका देना, आप उसका रिस्पॉन्ड दीजिए। और हम चाहते हैं कि जो करदाता हमारे जो कर के परिधि से बाहर हैं वो जल्दी से जल्दी किस करके परिधि में आए और अपना टैक्स अदा करें और जो देश का निर्माण की जो एक आम नागरिक की जो अभिलाषा है, जो हमारे नेतृत्व की अभिलाषा है, हम उस सपने को पूरा करने में जल्दी से जल्दी अपना जो भी सहयोग हो सकता करें और हमारा देश जिस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहिए उसे उस ऊंचाई तक पहुँचे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जो ईमेल के जरिए आपने बात की, ईमेल के जरिए भी आप फैसिलिटी दी जा रही है कि लोग यदि कोई सवाल भी हो, कोई इंक्वायरी भी हो, तो वो ईमेल के जरिए उनके जवाब जो है वो मिल सकते हैं? हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वो काफ़ी तकनीक के माध्यम से जो मौजूदा तकनीक है उसको लागू करते हैं, हमने उसको वेबसाइट को हमारे विभाग ने उसका निर्माण किया है, www.incometaxindia.gov.in। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए एक अलग वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से यदि आपके पास में कोई नोटिस आता है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, हमारे पास में सूचना रही है रजिस्ट्रार से कि आपने, मान लीजिए कि आपने 150 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, आप उसमें तीन पार्टनर हैं, तीन को ओनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के, और आपका शेयर केवल 50 लाख का आता है और आपने अगर अपने रिटर्न में 50 लाख की प्रॉपर्टी दी है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए आपके पास में हो सकता है नोटिस आए। विभाग ने एक ई सहयोग करके एक पोर्टल जारी किया है जिसमें आप अपना जवाब दे सकते हैं कि किस कारण से ये 50 लाख आपने दिखाया और 150 लाख नहीं दिखाया है, और वो जवाब आपके अधिकारी के पास में जाएगा, आपको विभाग के दफ्तर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है,
आपको किसी व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता नहीं है, और वो आपका जवाब आपके घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से उस अधिकारी पास पहुंच जाएगा और उसके अनुसार जो आगे कार्रवाई वो की जाएगी। इसके अलावा हमारे साथ आहाज जी भी मौजूद है, जिन्होंने एक जागरूक नागरिक के तौर पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये बात पता चल सके कि टैक्स आखिर किस तरह से पे किया जाता है और क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये कार्यक्रम किया गया था, उम्मीद जताई जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, क्या कहेंगे उसमें? ऐसा है कि ये सारी बातों की क्रेडिट तो एक्चुअली मैं राकेश मिश्रा जी को ही दूंगा, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया और आज यहाँ जितने भी लोग आए थे, सारे बिजनेस कम्युनिटी से, बिल्डर कम्युनिटी से लोग थे, छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं, फर्नीचर वाले, बंगार वाले, जो इस तरह के लोग हैं, तो ये ज़्यादातर इसमें टैक्स पेयर थे, मगर कुछ ऐसे भी थे यंग जनरेशन के लोग जो पैन कार्ड बनाते थे मगर जिनको फाइलिंग का सिस्टम वगैरह नहीं पता था कि रिटर्न वगैरह कैसे फाइल करते हैं। तो उस माध्यम से आज इकबाल इंगोरा जी ने जो लोगों को गाइड किया, उसमें यादव जी ने भी काफ़ी अच्छी बात की, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा कि आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक ये जो विषय था एक नया विषय था और इस पर काफ़ी हद तक इस विषय में फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब इनकम टैक्स की बात आती है या फिर जब फाइलिंग की बात आती है, तो कई सारे ऐसे सीएस होते हैं जो सही गाइडेंस भी देते हैं, जो कई बार ऐसे मिसगाइड भी करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी बात करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मिसगाइड कोई नहीं करता है। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने के लिए अगर वो कहते हैं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। अगर कोई सीए आपको टैक्स प्लानिंग के लिए कोई प्रोडक्ट लेने के लिए कह रहा है कि भैया आप LIC ले लीजिए या आप NSE में वो कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि मिसगाइड कर रहा है। लोगों को एक परसेप्शन है कि ये मिसगाइड कर रहा है या सीए जाके बोल देता है या सीए, तो सीए ऐसा कुछ करता नहीं है। सीए कम्युनिटी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, उसके अंदर में ये इस तरह के कोई ब्लैक शिप्स नहीं होते हैं या कोई ऐसा आदमी नहीं होता कि जाके उधर इन्फॉर्म कर दे या वो अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे, LIC का खुद एजेंट बन जाए। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ऑल्सो डिबास सच एक्टिविटीज, वी कैन नॉट बिकम LIC एजेंट्स एंड ऑल दैट। वो आपको गाइड करता है कि भाई आप देखिए आपका एजुकेशन का एक्सपेंसेस है, उसका डिडक्शन लीजिए, आप LIC का डिडक्शन लीजिए, आप NSE में इन्वेस्ट करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए। ये तो नेशन बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये बॉन्ड्स के थ्रू ही गवर्नमेंट के पास में पैसा जाता है। अगर वो कहता है तो मेरे ख्याल से वो कोई मिसगाइड नहीं कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से बात की जा रही है सीए की, तो सीए के लिए भी क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब टैक्स पे करने की बात आती है तो लोग जो है वो घबरा जाते हैं। नहीं, इसमें अभी घबराने की बात रही ही नहीं है, और सीए न भी कहे तो अब आपको मालूम होगा शायद, एक अभी बीच में एडवर्टीजमेंट चल रही थी कैमरे की, शायद थी, ऊपर वाला सब देख रहा है, बराबर है? तो ये ऊपर वाला सब देख रहा है, डिपार्टमेंट सब देख रहा है, सीए आपको बोले या न बोले, अगर सीए आपको ना नहीं बोल रहा है तो आई थिंक देन ही इज मिसगाइडिंग यू। और एक नई चीज भी आप लोगों की ओर से शुरू की जा रही है, जो फर्स्ट टाइम टैक्स पे करने के लिए आ रहा है उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है? सर, सुविधा तो अभी मेरे बुजुर्ग ने जो कह दिया, आई विल हैव टू फॉलो इट, ये अच्छा है कि चलो हम उनको एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एक सर्विस दे दे। आई होप द पीपल विल कम फॉरवर्ड टू फाइल द रिटर्न्स। चाहेंगे कि वो सर्विस क्या है वो आप जनता तक बताएं। दे हैव टू फाइल द रिटर्न्स, दे हैव टू ब्रिंग ऑल द डिटेल्स फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देयर बैंक पासबुक्स, देयर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, अदरवाइज दैट विल बी कॉल्ड इनकम्प्लीट रिटर्न। जी, क्या कहेंगे? हमारे विभाग ने कुछ TRPs को रजिस्टर कराया है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, तो जो छोटे छोटे करदाता हैं और जो सेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत जो आपके छोटे रिटेलर हैं, वो 5% अपनी एक निश्चित सीमा तक उनका टर्नओवर है, तो बिना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हुए अपना आय केवल 5% उस पर कैलकुलेट करें और टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो जो TRP है ये उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे विभाग के भी यदि आपको आवश्यकता पड़े किसी कर्मचारी या अधिकारी से, तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं, वो उसमें आपका पूर्ण सहयोग करें। बुक्स नॉट मेंटेन की जो बात है ना, थोड़ा मैं उसके बारे में एलाबोरेट करूँ। बुक्स नॉट मेंटेन वाली बात सिर्फ इनकम टैक्स ने कही है, VAT डिपार्टमेंट हैज नॉट एट ऑल सेड बुक्स आर नॉट टू बी मेंटेन, एक्साइज डिपार्टमेंट हैज नॉट एट ऑल सेड दैट बुक्स आर नॉट टू बी मेंटेन, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट हैज नॉट सेड दैट बुक्स आर नॉट टू बी मेंटेन, अंडर वेरियस अदर एक्ट्स यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ इनकम टैक्स में आपको बुक्स नहीं लेके जानी है, लेकिन बाकी के डिपार्टमेंट्स में तो बुक्स आपको लेकर ही जानी है, क्योंकि आप वहाँ पर SenVAT क्रेडिट या VAT क्रेडिट को क्लेम करते हैं, तो आपको वहाँ पर बुक्स आपकी मेंटेन करना ही है।
चलिए, इनकम टैक्स पे करने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी चर्चा जो है वो जारी रहेगी। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।